हेलो एवरीवन आज हम स्टमक uh, के अंदर एचसीएल uh, की स्क्रीशन को डिस्कस करेंगे कि एचसीएल जो है वो किस तरीके से स्क्रीट होता है क्या डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि एचसीएल की सिक्रीशन करवाते हैं बाय दी प्राइटल सेल्स इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि हाउ पेप्सिनटेड बाय दी गैस्ट्रिक चीफ सेल्स एंड इम्पॉर्टेंटली हाउ पेप्सिन एक्टिव फॉर्म एंड इट इज सब्सिक्वेंटली एक्टिवेटेड इन दी स्टमक ल्यूमन और उसके बाद हम डिफरेंट रेगुलेटरी प्रोसेस देखेंगे जो कि गैस्ट्रिक जूस की स्क्रीशन के साथ लिंक है तो आपके जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो यही हैं कि यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब ऑल ऑफ दिज प्रोसेस डिस्क्राइब दिशन ऑफ एच सी एल डिस्क्राइब द्रीशन ऑफ पेप्सिन बाई द गेस्ट्रिक चीव सेल्स Or describe the regulation of uh, gastric juice. Now, parietal cells is responsible for secretion of hydrochloric acid in the gastric glands, or when the gastric glands are stimulated, uh, maximally the hydrochloric acid uh, solution is secreted into the lumen. Uh, it is isotonic and has a pH of less than 1. Uh,

इम्पोर्टेंटली हाइड्रोजन इज क्रिएटेड थ्रू ए हाइड्रोजन पोटेशियम ए टी पी एस इन्जाइम दैट इज लोकेट ऑन दुमनल सरफेस ऑफ द सेल और यह किस तरीके से होगा इस सबसे पहले हमारे पास अगेन बेसोलेटरल मेमब्रेन पे एक पम्प uh, है जिसको सोडियम पोटेशियम ए टी पी एस पम्प कहते हैं अगेन दिस इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ प्राइमरी ड्राइवर फॉर क्रिएशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये सोडियम की इंट्रासेलर कंसनट्रेशन डिक्रीज़ कर रहा है और पोटेशियम की इंट्रासेलर कंसनट्रेशन जो कि पहले ही ज़्यादा है उसको और इंक्रीज कर रहा है एट दी एक्सपेंस ऑफ एटी तो इसके नतीजे में सोडियम की जब इंट्रासेलर कंसनट्रेशन कम होती जाएगी पोटेशियम की इंक्रीज करती जाएगी सो पोटेशियम कैन गो थ्रू दिस एलमिनल और एपिकल मेम्ब्रेन आयन कन्डक्टर्स चैनल हमारे पास एक और एक्सचेंजर है जिसको हम क्लोराइड बाय कार्बोनेट एक्सचेंजर कहते हैं विच इज़ आल्सो प्लेस्ड एट द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑब्वियसली हमने यहाँ पे हाइड्रोजन आइंस के साथ हमें क्लोराइड आइंस भी चाहिए सो दिस क्लोराइड बाए कार्बोनेट एक्सचेंजर इज लोकेटेड ऑन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन और इसके नतीजे में क्लोराइड आइंस जो हैं दे विल मूव इन दिस सेल अब इस जो क्लोराइड आयंस का बिल्ड होता जाएगा गैस्ट्रिक प्राइटल सेल में वो भी एक एन एन कंडक्टर्स चैनल के जरिए विच इज़ लोकेटेड ऑन लुमिनल मेम्ब्रेन और दी एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ दी गैस्ट्रिक पाइटल सेल उससे बाहर आके ल्यूमन की तरफ आ जाएगा सो इट द क्लोराइड आयंस कैन ऑल्सो बी स्क्रीटेड थ्रू दिस चैनल इन टू द ल्यूमन ऑफ द स्टमक अब हमारे पास अगर आप देखोगे तो का वही कार्बोनिक एंड सिस्टम और कार्बोनिक एसिड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड तो थ्रू दिस इंट्रासेलुलर कार्बोनिक एंड एंजाइम उससे कार्बोनिक एसिड बना कार्बोनिक एसिड कैन नाउ बी डिसोसिएटेड इंटू हाइड्रोजन एंड बायो कार्बोनेट अब ये बाय कार्बोनेट आर नाउ अवेलेबल फॉर दिस एन आइन एक्सचेंजर दी क्लोराइड बाय एक्सचेंजर और ये बाय कार्बोनेट आइंस जो हैं वो ब्लड की तरफ कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहेंगे अब्जॉर्ब होते जाएंगे। अब हाइड्रोजन आइन्स का यहाँ पे एक सरप्लस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा सो so, पोटेशियम तो पहले ही बाहर जा रहा है अब यहाँ पर एक चैनल मौजूद है जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था विच इज़ हाइड्रोजन पोटेशियम ए टी पी एस चैनल So this hydrogen will be excreted through the hydrogen potassium ATPS uh, pump located on the luminal surface of the cell and ATPS you have yeah, adenosine triphosphatase enzyme uh, is sometimes referred to as a proton pump uh, that is exchanging hydrogen for potassium. और ये क्या करेगा एक पोटेशियम जो है वापस पंप करेगा इनटू टू दी सेल्फ और ईच हाइड्रोजन आयन दैट विल बी सिक्रीटेड इनटू टू द्यूमेन और इस एक्सचेंज प्रोसेस के नतीजे में वन मॉलिक्यूल ऑफ एडिनोसिन ट्राईफॉसफेट इज हाइड्रोलाइज टू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑबियसली ये प्रोसेस जो है ये हो रहा है एड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी पोटाशियम कैटाइंस जो हैं देट विल एकट विद इन दिस सेल्स आर रिलीज बैक इंटू दी ल्यूमिन इन कम्बीशन विद क्लोराइड आयस तो जितना भी पोटेशियम यहाँ पर और क्लोराइड आय यहाँ पे हो रहे हैं दे विल बी रिलीज बैक इंटू दी ल्यूमिन इन कम्बीनेशन विद दी क्लोराइड एन आइंस अलहैदाइ क्लोराइड एन आइंस अलहदा ल्यूमिन के अंदर आ सकते हैं और पोटेशियम जो है वो अलहदा से थ्रू एल्यूमिनल मैम्ब्रेन या एपिकल मैमब्रेन कन्डक्टर चैनल्स के जरिए वापस आ सकते हैं तो इस तरीके से रिसाइकलिंग uh, हो रही है पोटेशियम आयंस की और क्लोराइड आयंस की एज दे आर पम्प बैक इन टू द सेल बाई दिस हाइड्रोजन पोटेशियम ए टी पी एस पम्प अब रिजल्टेंटली आप ये देखोगे कि हमारे पास हाइड्रोजन आयंस आर नाउ प्रेजेंट इन दी द्यूमन ऑफ द सेल एंड क्लोराइड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द्यूमन ऑफ द सेल सो दे विल कम्बाइन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड सो दैट्स हाउ हाइड्रोजन आफ्टर द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन कैटाइंस और क्लोराइड आयंस के एन के ल्यूमन के अंदर स्क्रीशन के नतीजे में हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्क्रीशन हो रही है एक और चीज़ इनमें रखो हाइड्रोजन कैटाइंस आर स्क्रीटेड इन टू द्यूमन बाइकार्बोनेट कार्बोनेट आइंस आर ऑल्सो अब्जॉर्ब इन टू द ब्लड और बाइकार्बोनेट आइंस की इस एब्जॉर्बशन के नतीजे में हमारे पास क्या होगा एक मील के फ़ौर बाद एक ख़ुराक के फ़ौर बाद जब एच सी एल की प्रोडक्शन हो रही होती है तो उस वक्त ब्लड के अंदर जो पी एच है वो स्लाइटली आपको अल्कलाइन मिलेगी इसको कहते हैं अल्कलाइन टाइड एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट लेटर ऑन सो Uh, additional chloride ions is made available uh, to the cell for secretion into the glandular lumen and bicarbonate ion is secreted into the blood. So, uh, during periods of intense secretion by the gastric gland, where chloride and hydrogen are secreted into the lumen, uh, large amounts of bicarbonates are released into the blood. Uh, this transient and mild alkalization of the blood during डाइज डाइजस्टिव प्रोसेस ड्यूरिंग डायजेशन इज नोन एज अलक्लाइन टाइड नॉर्मली अगर आप देखोगे तो दिस अल्क्लाइंटाइड विल भी रिवर्स वन बायो कार्बोनेट इन द्लड इज कंज्यूम्ड इनडली ड्यूरिंग द न्यूट्राइजेशन ऑफ दी गैस्ट्रिक स्क्रीशंस एज दे एंटर द इंटेस्टाइन बिकॉज जब हम पेंक्रियाटिक स्क्रीशंस पढ़ेंगे तो ऑबियसली आपको मैं बताऊँगा उस वक्त के पेंक्रियास के अंदर भी बायो कार्बोनेट आइंस की स्क्रीशन होती है तो ऑन अ टोटल बॉडी बेसिस गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन रिजल्ट इन ओनली स्मॉल एंड ट्रांजियंट चेंजेस इन ब्लड पी एच और अगर डिजीज आ जाए तो फिर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो द दिशंस ऑफ द स्टमिक आर प्रिवेंटेड फ्राम एंटरिंग द इंटेस्टाइन और आर लॉस्ड फ्रॉम द बॉडी बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग तो द पी एच ऑफ द ब्लड कैन राइज टू अ डेंजरसली हाई तो अंडर पैथोलॉजिकल कंडीशंस ये एच सी एल अगर लूज हो जाए तो यहाँ पे अल्कलीनिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है विच कैन लीड टू परमानेंट स्टेट ऑफ अल्कलोसिस अदरवाइज जब आप मील लेते हैं और एच सी एल की प्रोडक्शन पीक करती है तो यहाँ पे बायोकारबनेट आयंस की स्क्रीशन ज्यादा हो रही होती है और दिस फिन इज कॉल्ड एस अलक्लाइन टाइड अब ये पिछली ही डायग्राम की कॉन्टीन्यूएशन है और ये इसका टेक्स्ट है कि सोडियम पोटेशियम ए टी पी एस पम्प ऑफ पोटेशियम कंसंट्रेशन इन साइड द सेल विच देन मूव इन टू दियुमन थ्रू पोटेशियम चैनल हाइड्रोजन आर टू द्यूमिन एंड बायो कार्बोनेट आर आरटेड इन द सेल कैन बी एक्सचेंज फॉर क्लोराइड एट बेजोलेट्रल मेम्ब्रेन इस तरह क्लोराइड इज अवेलेबल फॉर इन टू द ल्यूमिन एंड बायो इज इज्रीटेड इन टू ब्लड स एसिड प्रोडक्शन तो ये जो बायो कार्बोनेट्स हीट हुआ इन टू द्लड इट विल गिव ब्लड अलक्नाइजेशन विच द फिनिना इज कॉल्ड एज अल्कलाइन टाइड एंड दिस कैन बी रिवर्स्ड आफ्टर वर्ड्स वैन बायो कार्बोनेट इस पेंक्रियाटिक जूस टू न्यूट्रेलाइज स्टमक एसिड तो जब इस स्टमक के अंदर जितना भी ए सी एल है वो जैसे ही स्टमक से ड्यूडिनम के अंदर एंटर करता है या प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है तो उस वक्त उस स्टमक एसिड को हमने न्यूट्रलाइज करना है वो न्यूट्रलाइज नेचर इसी तरीके से करती है कि पेंक्रियाटिक जूस के अंदर आपको बाइकार्बोनेट आयंस क्रिएट करके देती है ताकि वो बाइकार्बोनेट आयंस इस स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके और ये बाइकार्बोनेट आयंस जो पेंक्रियाटिक जूस के अंदर आते हैं असेंशली ये वही बाइकार्बोनेट आयंस हैं जो कि स्टमक के अंदर एच सी एल स्क्रीशन के दौरान एब्जॉर्ब हुए थे तो इस तरीके से नेचर ने एक बैलेंस रखा हुआ है हाउ एवर अगर आप देखोगे उन सिचुएशंस में द ऑफ स्टमक आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द इंटेस्टाइन और दे कैन बी लॉस लॉस्ट फ्रॉम दी बॉडी बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम जिस तरह के हमने वॉमिटिंग के अंदर डिस्कस किया था तो ये जो पी ऑफ दी ब्लड है इट कैन राइज टू अ वेरी डेंजरस लेवल एंड इसको हम कहते हैं दिस कैन लीड टू मेटाबॉलिक अल्कलोसिस द गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन कैन लीड टू अल्कलिनिटी इन दी इन दी ब्लड और ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि द इट हैज़ अ वेरी स्मॉल एंड ट्रांजिएंट चेंज इन दी ब्लड पीएच व्हिच इज़ कॉल्ड एज ए फ्लाइन टाइट हाउ एवर डिफरेंट अब नॉर्मेलिटीज़ जिस तरह के वॉमिटिंग की सिचुएशन है और कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें स्टमक स्प्रीश जो हैं वो इंटस्टाइन के अंदर ऑल टुगेदर एंटर ही नहीं हो सक रही बिकॉज ऑफ प्रोबेबली एनी ऑब्स्ट्रक्शन एट दी लेवल ऑफ पायलोरिक्स स्फिंक्टर और दायलोरस जिस तरह के गैस्ट्रिक डाइलेशन वॉल्स वगैरह तो उसके अंदर जो है

अब हम अगर एच से थोड़ा हटें और देखें गैस्ट्रिक जूस के अंदर और क्या स्क्रीशन हैं तो पेप्सिन इज एन इम्पॉर्टेंट स्क्रीशन इज एन इम्पॉर्टेंट इंजाइम व्हिच विच इज क्रिएटेड बाई चीव सेल्स पहले भी मैंने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंटली दिस इज क्रिएटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म एंड इट विल बी सब्सिक्वेंटली एक्टिवेटेड इन द्यूमन ऑफ द गट सो पेप्सिन इज यूजली डिस्क्राइब्ड एज ए सिंगल कंपाउंड लेकिन ये एक फैमिली ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजाइम्स है इन रियल एंड दीज आर स्क्रेटेड फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दे आर फॉर्म्ड इन दी चीफ सेल्स इन एन एक इनएक्टिव फॉर्म और उस इनएक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव प्रो एंजाइम्स को हम पेप्सिनोजेंस कहते हैं पेप्सिनोजेंस जो हैं दे आर स्टोर्ड इन दी चीफ सेल्स एज ग्रैन्यूल्स और इन uh, ग्रैन्यूल्स को हम जाइमोजेंस भी कहते हैं Uh, अब जैसे जैसे आगे चलेगा तो हमारे पास जब ये स्क्रीट हो जाएंगे तो एसिडिक कंटेंट्स ऑफ स्टमक हैं जैसे ही ये पेप्सिनोजेंस को एक्सपोज होंगे तो हमारे पास क्लीवेज होगी जैमोजन के अंदर मौजूद ग्रैन्यूल्स के अंदर मौजूद पेप्सिनोजेंस की और जब ये क्लीवेज होगी स्मॉल पोर्शन ऑफ पैप्सिनोजिन की तो दे इट विल बी एक्टिवेटेड इट विल लीड टू एक्टिवेशन ऑफ द इन्जाइम्स और अब हमारे पास पेप्सिन जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा ये याद रखो इट इज अ फैमिली ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स और डाइजेस्टिव इंजाइम्स दैट आर सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड एज इनएक्टिवेटेड प्रो एंजाइम्स एंड एक्टिवेटेड इन द्यूमन ऑफ द गट आर नोन द जनरल नेम जायमोजन्स जनरल पैटर्न ऑफ जैमोजन फॉर्मेशन एंड एक्टिवेशन इज नेसेसरी बिकॉज द Uh, active enzymes could digest and destroy the cells that synthesize them. So it is very important that they, these cells, the, uh, these enzymes are actually secreted in an inactive form in these granules. Obviously, agar ye activated form me honge So these, agar activated form may ho, these can destroy. Uh, the or digest the cells that सिंथिस them. तो so, अगर पेप्सिन एक्टिवेटेड फॉर्म में होते है, चीव सेल्स को ही डाइजेस्ट दिस, दिस, कर सकता है इसी को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है तो so, इसलिए नेचर ने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखा है जिसमें वो ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में ए, स्टोर होते हैं इन दीज ग्रैन्यूल्स और इनको कलेक्टिवली कहा जाता है जायमोजन्स so, uh, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव मेकानिज़म तो एक एच सी एल जो एसिडिक स्क्रीशन है उसको भी हम शायद आगे और एक दफ़ा दोबारा से मैट को डिस्कस करूं पहले भी आपको बताया था एच सी एल की स्कीशन से बचने के लिए हमारे पास म्यूकस है थिक म्यूकस है और बायकार्बोनेट आयंस हैं जो कि उस म्यूकस के अंदर स्क्रीट हो रहे हैं तो अल्कलाइन म्यूकस एक्चुअली इज़ यूजफुल फॉर प्रोटेक्टिंग द स्टमक फ्रॉम द एसिडिक एनवायरमेंट और इन्ज़ाइम से बचाने के लिए खासकर पेप्सिन इंजाइम से बचाने के लिए ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होगा सो दैट्स हाउ स्टमिक वॉल इज़ प्रोटेक्टिंग इट्स सेल्फ वेल एथसीज पेप्सिन स्टमक की जो वॉल है दीवार है इट इज़ प्रोटेक्टिंग इट्सल्फ बाय एसिडिक पीएच और पेप्सिन थ्रू स्क्रीशन ऑफ म्यूकस

अब हम देखें कि एल सी एल की स्क्रीशन रेगुलेट किस तरह होती है और किस तरीके से प्राइटल सेल जो है दैट इज स्टिमुलेटेड फॉर एल सी एल प्रोडक्शन तो इसके अंदर हमारे पास थ्री डिफरेंट सबस्टांसिस हैं दैट कैन स्टिमुलेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्क्रीशन एंड दे कैन रीच प्राइटल सेल्स बाय डिफरेंट रूट्स नंबर वन एसिटाइल कोलिन सेकेंड गैस्ट्रिन और तीसरा हिस्टामिन तो अगर आप देखोगे पहले एसिटाइल कोलिन को हम डिस्कस कर लें इट इज़ रिलीज फ्रॉम दी कॉल न्यूरॉन्स लोकल कॉलिनर्जिक रिफ्लेक्सेस दैट ऑपरेट थ्रू कीमो रिसेप्टर्स एंड मकैनो रिसेप्टर्स इंड्यूस पराइटल और चूंकि ये कॉलिनर्जिक रिफ्लेक्सेस हैं तो इनका जो वहाँ पे न्यूरो रिलीज होगा दैट विल बी प्रिंसिपली एसिटाइल कोलिन एसिटाइल कोलिन इंड्यूस स्टिमुलेशन ऑफ एंटैरोफिन लाइक सेल्स दे ऑल्सो रिलीज हिस्टामिन एज वेल एज डायरेक्टली स्टिमुलेट प्राइटल सेल बाई एसिटाइलकोलिन तो जब हमारे पास ये जो रिफ्लेक्सेज हैं जिनके एन पी न्यूरो ट्रांसमीटर एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकुलन रिलीज हो रहा था तो ये एंडोक्राइन सेल से भी या एंटेक्रोमोफिन सेल से भी हिस्टामिन रिलीज करवाते हैं और साममलटेनियसली डरेक्ट स्टोलेशन भी होती है प्राइटल सेल्स की बाई एसीटाइलकोलिन और आगे मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ ये और ज़्यादा बेहतर तौर पर हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें अब हमारे पास प्राइटल सेल की इसी कोलीन के अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है एंडोक्राइन सब्सटेंस जिसमें गैस्ट्रिन है विच इज रिलीज्ड फ्रॉम दी जी सेल्स इन दी पाइलोरिक ग्लैंड एरिया एंड गैस्ट्रिन गैस्ट्रिन जो है इट इज रिलीज इन टू द सर्कुलेशन एंड फ्रॉम दी सिस्टमिक सर्कुलेशन इट विल कम बैक टू स्टिमुलेट दी प्राइटल सेल अब ये याद रखना गैस्ट्रिन रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय प्रोटीन इन स्टमक और इट एक्ट्स इन टू वेज गैस्ट्रिन स्टिमुलेट्स ई सेल्स टू रिलीज हिस्टामीन विच कॉज एच सी एल और सेकेंडली गैस्ट्रिन स्टिमुलेट्स प्राइटल सेल डायरेक्टली टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो दोनों तरीकों से हैं इट कैन ऑल्सो एक्ट ऑन दोक्रामोफिन लाइक सेल्स टू रिलीज हिस्टामिन Uh, जो कि आगे चल के एच सी एल स्क्रीशन करवाएगी या ये डायरेक्टली भी एच सी एल स्क्रीशन करवा सक रहा है जो थर्ड मैकेनिज्म हमारे पास जो कि कोलीन और गैस्ट्रिन के अलावा है वो है पैराक्राइन सब्सटेंस हिस्टामिन विच इज प्रोड्यूस फ्राम एंटेरोक्रोमोफिन लाइक -like सेल्स जिनको हम ECL सेल्स भी कहते हैं दीज ई सी एल सेल्स आर प्रेजेंट इन प्राइटल एंड ऑक्सेंटिक मिकोजा वेयर इट स्टिमुलेट्स दी प्राइटल सेल्स दी सेल्स जो हैं दे आर ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाई वेगल रूट एंड दिस वेगल रूट इज एक्चुअली कनेक्टिंग विद द इंटेरिक न्यूरोस कंटेनिंग द गैसिन रिलीजिंग पेप्टाइड ऑल्सो और एच सी एल्सक्रीशन जो है वह प्राइटल सेल में कैल्शियम सेकेंड मैसेजर पाथवे के जरिए होती है तो जो सेकेंड मैसंजर पाथवे प्राइटल सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है दैट इज प्रिंसिपली डिपेंडेंट अपॉन दी कैल्शियम एज ए सेकेंड मिसेंजर फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो अभी हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं अब अगर आप देखो तो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं जो कि सीटायल कोलिन स्क्रीट कर रहे हैं और ए कोलिन जो है इट कैन डायरेक्टली इनरवेट दी प्राइटल सेल एंड आस द प्राइटल सेल टू सिंथिसाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड थ्रू ए कैल्शियम सेकेंड मिसेंजर पाथवे सेकेंडली इट कैन ऑल्सो एक्ट ऑन दोक्रोमोफिन लाइक सेल डैट कैन रिलीज हिस्टामीन एंड हिस्टामीन कैन एक्ट एज ए पैराक्राइन सबस्ट कन्वर्ट दी ए टी पी इंटू साइक्लिक एम पी एंड कॉज एंड इंक्रीज इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रीशन बाई द्राइटल सेल और थर्ड हमारे पास ये है कि गैस्ट्रिन अब जी से हमारे पास प्रोटीन आएगी तो जी सेल्स स्टिम्युलेट होंगे और ये जी सेल्स जो है गैस्ट्रीन बनाएंगे गैस्ट्रीन जो है वो एंटेरोमोफिन सेल्स पे भी एक्ट कर सकता है और, और ज़्यादा हिस्टामिन रिलीज करवा सकता है और सेकेंडली ये डायरेक्टली इस प्राइटल सेल पे भी एक्ट कर सकता है और कैल्शियम डिपेंडेंट सेकेंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्क्रीशन ज़्यादा करवाएगा अब यहाँ पे जो ये शो हुआ हुआ है असेंशली जेनेटिक मटेरियल जिसको हम डीएनए भी कह सकते हैं ये कोर्ट कर रहा है अगर आपको याद हो एसक्रीशन में मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन पोटेशियम ए टी एस पम्प तो ये जितने भी कैल्शियम डिपेंडेंट सेकेंड मैसेंजर सिस्टम्स हैं ये इस जेनेटिक मटेरियल को कहेंगे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोटीन चैनल बनाएं जो कि हाइड्रोजन पोटेशियम ए टी एस पम्प आगे चल के एक्सप्रेस करवा सके ऑन दी सरफेस ऑफ लुमिनल मेम्ब्रेन तो जब वो एक्सप्रेस होगा तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन आयन की स्क्रीशन होगी ल्यूमन में तो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ न्यूरॉन जो है वो एसिटाइल कोलीन के ज़रिए कर रहा है और ये एसिटाइल क्वीन जो है ये डायरेक्टली भी स्प्राइटल सेल से, से सिंथेसिस करवा सकता है

और कैल्शियम डिपेंडेंट सेकंड में जिसमें सिंजर सिस्टम के जरिए एथीएल की होगी। थर्ड हमारे पास गैस्ट्रिन है और ये जी सेल्स हैं। ये कैपिलरी शो हुई है इंपॉर्टेंटली ये आपने जेन में रखना है कि ये गैस्ट्रिन सिस्टेमिक सर्कुलेशन से आके इस स्प्राइटल सेल को स्टिमुलेट कर रहा है फॉर स्क्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नो डाउट कि जी सेल्स ने बनाया जो कि स्टमक के अंदर ही थे बट दैट गैस्ट्रिन वंस सिंथिसाइज विल गो इन टू दिस्टेमिक सर्कुलेशन थ्रू दीज ब्लड वेसल्स और फिर वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से आके इस प्राइटल सेल को स्टिमुलेट करेगा अब ये गैसट्रीन जो है ये भी सेकेंड मैसेजर सिस्टम के जरिए जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट सेकेंड मैसेन्जर सिस्टम है उसके जरिए सिंथिस करवा रहा है एच सी एल की और ये जो सेकेंड मसेंजर सिस्टम है ये आगे चल के डिफरेंट प्रोटीन्स बनाता है इस सिचुएशन में जो प्रोटीन्स ज़्यादा बनेगी वो हाइड्रोजन पोटेशियम ए पंप है जो कि बनने के बाद ही फौरन एक्सप्रेस होगा ऑन द एपिकल मेम्ब्रेन या लुमिनल मेम्ब्रेन ऑफ द प्राइटल सेल सो दिस इज दीज आर थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस च आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्क्रीशन ऑब्वियसली ये न्यूरोन जो है ये पैरासिम्थेटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में है वेगस नर्व के इन्फ्लुंस में है और मैंने आपको बताया था कि जब फूड खाते हैं तो तब पैरासिम्थैटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और उसकी एक्टिविटी के नतीजे में ज़्यादा सिटायरकोलिन प्रोड्यूस होगी तो जनरली जैसे ही फूड आएगा वेगस स्टिमुलेट होगी और पैरासिम्थेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और इस मैकेनिज्म के जरिए एसीएल सिक्रीशन हो रही है सेकेंड प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक विल कॉज रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन तो गैस्ट्रिन भी फूड की मौजूदगी में और ज़्यादा ए सी एल प्रोड्यूस करेगा और थर्ड ये दोनों मिल के पाथवेज इस एंटेरोक्रोमोफिन लाइक -like सेल से हिस्टामीन सिक्रीट करवाएंगे और हिस्टामीन जो है वो आपको और ज़्यादा एच सी एल तो अब जब तीनों इफ़ेक्ट्स कंबाइंड करेंगे एमेलगमेट करेंगे तो दे विल लीड टू एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जितना भी है ये ऑक्सेंटिक ग्लैंड के अंदर हो रहा है अब अगर हम इस पार्ट को देखें विच इज़ दी एंट्रम पार्ट ऑफ द स्टमक जिसपे जहाँ से एक्चुअली गैस्ट्रिन बननी है तो मैं इसको अभी अलीहदा से आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूँ अब हमने पीछे जितने भी तीन जो मेजर पाथवेज पड़े थे एसिटाइलकोलिन स्क्रीशन गैस्ट्रिन प्रोडक्शन और हिस्टामिन प्रोडक्शन एज अ पैराक्राइन सब्सटेंस गैस्ट्रिन प्रोडक्शन एज ए हार्मोन और एसिटाइलकोलिन ऑन दी कॉलिनर्जिक फाइबर्स ये सारे स्टिमुलेट्री मैकेनिज्म्स थे बट अब हमारे पास एक इनहिबिटरी मैकेनिज्म भी है हमने एसिड प्रोडक्शन को किसी स्टेज पर इनहिबिट भी तो करना ना तो वो किस तरीके से होगा उसमें एक तो सबसे ईजी ये है कि कॉल स्टिमुलेशन ऑफ द प्राइटल सेल जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी बनस्पत के इन द प्रेजेंस ऑफ फूड सेकंड जो है हमारे पास ये है कि स्टिमुलस जो है इट कैन इनहिबिट गैस्ट्रिन रिलीज जो एक इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस है दैट कैन इनहिबिट गैस्ट्रिन रिलीज इज एसिडिफिकेशन ऑफ द स्टमिक इट्स और अगर आपको एंड पार्ट एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ स्टमक याद हो मैंने आपको एक फीडबैक की डायग्राम दिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड द प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक इज स्टिमुलस फॉर गैस्ट्रिन लेकिन जैसे जैसे ज्यादा ए प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा वो स्टिमुलस ही गैस्ट्रीन को कहेगा कि ना देर इज़ नो नीड फॉर फर्दर गैस्ट्रीन प्रोडक्शन सो इस डिफिकेशन ऑफ as ए रिजल्ट ऑफ रिली गैस्ट्रीन रिलीज़ इज़ एक्चुअली एन इनिबिट्री फैक्टर फॉर फर्दर गैस्ट्रिन रिलीज जैसे जैसे स्टमक के अंदर ए सी एल की मिकदार ज़्यादा होती जाएगी इसकी क्वान्टिटी इंक्रीज करती जाएगी स्टमक एसीडिफाई होता जाएगा अब स्टमक की एसीडिफाइड पी एच जो है लो पी एच जो है वो गैस्ट्रिन को इनिबिट करना शुरू करेगी ताकि फर्दर और ज़्यादा गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन ना हो अगर ये प्रोसेस ना हो तो फिर तो ऑब्वियसली गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता जाएगा और एसीएल स्क्रीशन होती जाएगी तो कोई स्टेज पे तो आपने इस प्रोसेस को रोकना है वो ये है वो जो स्टेज है वो ये स्टेज है जब जो स्टमक की एसिडिफाइड पीएच है वो गैस्ट्रिन की फर्दर प्रोडक्शन को इनिबिट कर देगी और एसिडिफिकेशन ऑफ एंट्रल ह्यूमन जो है वो ऑल्सो कॉजेज रिलीज ऑफ सोमैटोस्टेटिन फ्रॉम द डी सेल्स इन देंट्रम एक जी सेल्स थे जो गैस्ट्रिन बनाते हैं एक डी सेल्स है जो सोमेटोस्टैटिन बनाता है तो ये जो एसिडिफिकेशन है लो पी है स्टमक की वो जब एंट्रम के अंदर जाती है तो सोमेटोस्टैटिन भी रिलीज होता है फ्रॉम दी एंट्रम एंड इट आल्सो इनहिबिट्स रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन सो सोमेटोस्टेटिन इज इनहिबिटिंग दी प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिन जिससे फर्दर एसिडिफिकेशन ऑफ स्टमक नहीं होगी जो एक डिज़ायर्ड पी एच है वो पहुँच गया उसके बाद फर्दर एसिडिफिकेशन नहीं होगी तो ये हमारे पास इनिबिटरी मैकेनिज़म्स हैं ये दोनों मिल के इनहिबिट कर रहे हैं रिलीज गैस्ट्रिन फ्रॉम जी सेल्स एंड देयर बाय दे प्रोवाइड ए फीडबैक टू इनिबिट फर्दर एच सी एल्स दिस डाइग्राम शोज यू दोसेस फॉर इनहिबिशन ऑफ एस सी एल सिक्रीशन और अगर आप देखोगे तो हमारे पास इस तरफ जो है गैस्ट्रो स्टमक uh, का जो एंट्रम है या गैस्ट्रिक एंट्रम है या पाइलोरिक रीजन है उस तरफ का ल्यूमन है और ये स्टमक का मिकोजा है जहाँ पे आपको डिफरेंट सेल्स मिलते हैं जिसमें डी सेल्स मौजूद हैं और गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जिनको हम जी सेल्स कहते हैं ये मौजूद हैं वंस जब फूड यहाँ पे आता है तो उसके नतीजे में गैस्ट्रिन को स्टिमुलस मिलता है और गैस्ट्रिन जो है वो जी सेल्स बनाना शुरू उसके जो जी सेल्स हैं वहाँ से गैस्ट्रिन रिलीज होता है प्रोड्यूस होना शुरू होता है और वो रिलीज़ होता है और वो आगे कैपिलरी के अंदर चला जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर से जाके प्राइटल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और एच की स्क्रीशन करवाता है अब जब एच सी एल यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा तो वो एच सी एल जो है इट कैन डायरेक्टली इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिन फ्रॉम दिज डी सेल्स एंड सेकेंडली हाइड्रोजन आय विल ऑल्सो स्टिमुलेट डी सेल्स एंड डी सेल्स विल स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन ये सोमैटोस्टैटिन जो है इट विल नाउ गिव एन इनहिबिटरी और द नेगेटिव सिग्नल

हमारे पास प्राइटल सेल की स्टिमुलेशन कम होगी प्राइटल सेल की स्टिमुलेशन कम होगी तो एच प्रोडक्शन अगेन डिक्रीज करना शुरू कर जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेज आएगी कि जो स्टमक के अंदर पीएच मौजूद है वो सफिशेंट हो जाएगी नाउ द प्रोसेस हैज़ हॉल्टेड और जितनी पीएच हमें स्टमक की चाहिए थी एक रिक्वायर्ड प्री रेकड पी फॉर दी एसिडिफिकेशन ऑफ फूड मेटीरियल एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजिन इंटू पैप्सिन वो अचीव हो गई है तो बस अब हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो इनफ हो गया और गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन और उसके अंदर एच की प्रोडक्शन जो है वो सप्रेस होना शुरू हो जाएगी तो अब अगर मैं एक दो फिर इसको सम अप करूँ और रिपीट कर दूँ हमारे पास ये एंट्रल ह्यूमन है जहाँ पे हमारे पास एच सी एल प्रोडक्शन हो रही है और वो एच सी एल प्रोडक्शन इसलिए हो रही है कि प्राइटल सेल्स कॉन्टीन्यूसली एच सी एल सिंथिसाइज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फूड इन दी एंट्रम और वो स्टिमुलेट करती है जी सेल्स को जी सेल्स जो हैं वो और ज़्यादा गैस्ट्रिन बनाते हैं वो कैपलरीज के ज़रिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाती है और अगेन प्राइटल सेल्स को स्टिमुलेट करती है कि और ज़्यादा एच सी करें जब एक ख़ास मकदार एच सी एल की एंट्रल्यूमन में मौजूद होती है और एक स्पेसिफिक पी एच एक लो पी एच एज लो एज वन पॉइंट फाइव टू वन अचीव हो जाती है तो अब जो हाइड्रोजन आइन्स हैं वो डायरेक्टली जी सेल्स को भी सप्रेस कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा गैस्ट्रिन ना बने और वो डी सेल्स के जरिए जो कि सोमेटोस्टेटिन बनाते हैं उनके जरिए भी एक नेगेटिव फीडबैक देते हैं गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को कि और गैस्ट्रिन ना बनाई जाए जब गैस्ट्रिन नहीं बनेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइटल सेल से एच की प्रोडक्शन सप्रेस होना शुरू हो जाएगी और जो पी एच यहाँ पर थी वो सफिशेंट हो गई है वो इट इज़ इनफ फॉर दी इफेक्टिव डाइजेशन ऑफ दी फूड एंड एसिडिफिकेशन ऑफ द फूड एसिडिफिकेशन ऑफ फूड जो है उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी और जो डिफरेंट प्रोसेस हैं वो भी होंगे और पैप्सिनजिन एक्टिवेट हो जाएगी पैप्सिन के अंदर और पैप्सिन जो है वो प्रोटीन की डायजेशन को स्टार्ट करेगी अब जब पाइलोरिक स्फिंक्टर खुल जाएगा ऑब्वियसली ये एसिडिक पी एच आगे की तरफ मूव कर जाएगी फूड स्टमक के अंदर से क्लियर हो जाएगा तो ये इंटर डाइजेस्टिव फेज़ है और अगर यहाँ पे और दोबारा से फूड आ जाए और जो यहाँ पे पालोरिक्स फिंटर था वो ओपन हो के तो फूड आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हुआ है और पीछे से और फूड आ रहा है तो अगेन हमारे पास गैस्ट्रिन स्टिमुलेट होगा पैरासिमथेटिक नर्वस सिस्टम इसीटाइलकुलन स्टिमुलेट होगी दोनों मिल हिस्टामिन रिलीज करवाएंगे टैरोक्रामिफिन लाइक सेल से और दोबारा से प्राइटल सेल्स से एसीएल सी एल की स्क्रीशन करवाएंगे और इसी तरीके से स्टिमुलेशन होती रहती है और जब फूड जो है सम के अंदर ए, एक ख़ास हद तक एसिडिफाइड हो चुका होता है और एक ख़ास एसिडिक पीएच एच ल्यूमन के अंदर अचीव हो जाती है तो फिर एच की स्क्रीशन फ्रॉम दी प्राइटल सेल इज़ इनहिबिटेड बाय दी इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिन या जी सेल्स या गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स और ये इनिबिशन होती है डायरेक्टली एच पॉजिटिव आयंस या एसिडिक पी जो है जी सेल्स को भी इनिबिट कर सकता है और एच पॉजिटिव जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये डी सेल्स को भी डिकटेट कर सकते हैं कि सोमेटोस्टेटिन बनाओ और ये सोमेटोस्टैटिन जो है वो आगे चल के गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को सप्रेस कर सकती है ऑब्वियसली कम गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा तो फिर देर विल बी इनहिबिशन ऑफ एच सी एल्सक्रीशन देर विल बी सप्रेशन ऑफ एच इट्स क्रिएशन बाई सो पहले हमने तीन पाथवेज पढ़े थे स्टिमुलेशन के अब ये एक दो पाथवेज हैं इनिबिशन के वन थ्रू डायरेक्ट इनिबिशन ऑफ जी सेल्स एंड सेकेंड थ्रू डी सेल्स तो आज हमने अगर मैं कंक्लूड करूं इस सेशन को हमने इफेक्टिवली देखा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्क्रीशन किस तरीके से होती है प्राइटल सेल में और उसमें हाइड्रोजन पोटेशियम ए टी पी का क्या रोल है जिसको हम प्रोटॉन पंप भी कहते हैं और ये प्रोटॉन पंप जो है वो एट दी एक्सपेंस ऑफ ए काम करता है सेकेंड हमने ये देखा कि प्राइटल सेल्स को कौन से तीन मैकेनिज़म्स जो हैं स्टिमुलेट करते हैं वन इज़ कॉलिनोजिक फाइबर्स थ्रू दलकोलिन सेकेंड इज़ गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स डी सेल्स जो कि गैस्ट्रिन बनाते हैं और सिस्टेमिक सर्कुलेशन से आके गैस्ट्रिन प्राइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है और थर्ड ये दोनों मिल के ई सी एल लाइक सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि और ज़्यादा एच सी हो तो तीनों का जो कम्बाइंड इफेक्ट है वो एच सी को इन्हांस करेगा और अगर हमने इस एच सी को सप्रेस करना है तो वो एसिडिफिकेशन ऑफ द स्टमिक इट्स सेल्फ इज अ नेगेटिव फीडबैक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिन फ्रॉम द जी सेल्स मैं रिपीट करता हूँ एसिडिफिकेशन ऑफ द स्टमक और एसिडिफिकेशन ऑफ द फूड इन या एसिडिक पीएच इन दमक इट्स सेल्फ इज ए नेगेटिव फीडबैक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रीन फ्रॉम जी सेल्स और जब गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन कम होगी इस एसिडिक पीएच के नतीजे में तो ऑब्वियसली जो प्राइटल सेल्स हैं वो इनिबिट होंगे सप्रेस होंगे और एसीएल की प्रोडक्शन डिक्रीज करना शुरू कर जाएगी सेकंड हमारे पास जो इनिबिशन का मैकेनिज्म है वो डी सेल्स है जिसमें डी सेल्स जो हैं सोमेटोसपैटिन बनाते हैं और वो आगे चल के सोमेटोसपैटिन इनिबिट करता है एसीएल प्रोडक्शन को तो ये अब कंक्लूड करता हूँ मैं आगे हम फेजेस ऑफ़ गैस्ट्रिक क्रीशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसके बाद फिर पैंक्रियाटिक क्रीशंस को आ, स्टार्ट करेंगे तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और ई कर सकते हो प्राइवेटली स्टे सेफ और स्टे ब्लेस्ड